खुलने के लिए आए जैसे, पता लगा ताला टूटा हुआ है। ताला टूटा हुआ तो मैंने देखा अंदर, खुल के देखूँ क्या चीज गई, उसमें मेरे कुछ पैसे रखे हुए थे, तो करीब 60-65 हज़ार रुपये करीब थे उसके अंदर, वो पैसे मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैंने उसका नाम क्या है लखनऊ के नाम के 100 नंबर पर कंप्लेंट करी। 100 नंबर कंप्लेंट करने के बाद इन सब लोगों में हलचल मच गई, सब लोग यहाँ पे आए। और फॉरन करेंसी पुरानी वाली थी, मतलब जो ना चलने वाली, वो भी रखी थी, वो भी सब ले। हाँ, 2 कैमरे लगे हुए मेरे ना, पर उन कैमरों में वो चारों लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं आते हुए और ताला टूटते हुए और जाते हुए भी। हाँ, ताजमहल से 120 मीटर की दूरी पे है केवल। मानते हैं कि सर यहाँ की कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हैं लोकली, होगा कोई बाहर का तो होगा ही नहीं, और नीचे से आने जाने वालों का रास्ता ही बना हुआ है वासुदेव नगर से, यहीं से आते हैं वहीं से भग जाते हैं ये लोग सारे लोग। कम से कम यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए रात में इन लोगों की, जो दुकानें हैं और भी हैं, और इतने आसपास होने के बाद में इतने बैरियल होने के बाद भी चोरी हो गई, तो अब उसकी सुरक्षा तो ताजमहल की तो इन्हीं के स्टाफ के हाथ में होनी चाहिए, पुलिस के। आज दिनांक 28/2/19 को प्रातः लगभग 4:30 से 4 बजे के बीच में कुछ 3-4 लड़कों ने एक फॉरेक्स एक्सचेंजर की शॉप है वहाँ पर जाके चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो CCTV वगैरह खंगाली जा रही है और प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई कि इन लोगों ने आके फॉरेक्स एक्सचेंजर की शॉप पे ये वारदात करी है, जिसके संबंध में ताजविन थाना ताजविन में 200/19 अपराध संख्या और 457 और 380 IPC में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इनकी तहरीर जो प्राप्त हुई है, राजेश गुप्ता वादी जो है उन्होंने कहा है कि हमारी दुकान से शॉप है उसके बगल से एक छोटा सा रास्ता जाता है, उस रास्ते में चूँकि वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनका आना जाना ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पर रात में थोड़ी सी सिक्योरिटी की कमी दिखी है प्रथम दृष्टया। अब इसमें कड़ाई से सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी और जिससे किसी भी प्रकार की ये पुनरावृत्ति ना हो पाए।